हेलो दोस्तों, वन प्लस 10T इसका मॉडल है और ये फ़ोन किसी दुकानदार भाई ने भेजा है। ये फुल्ली डेड कंडीशन में है। उन्होंने क्या क्या सरखनी किया है आपको दिखाएगा अभी। सबसे पहले यहाँ पे देखो, बिल्कुल डेड है। चार्जर लगाने से भी कुछ भी एम्पियर नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखो, और इस फ़ोन में डबल बैटरी कनेक्टर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो इसका एम्पियर क्या बन रहा है। बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो दोस्तों फटाफट देखते हैं माइक्रोस्कोप में कहाँ पे इन्होंने सरखनी किया है और क्या क्या चीज़ चेक किया है ना। यहाँ पे देखो बैटरी कनेक्टर दो है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब फोन में जो टीना होता है, जो सॉल्ट होता है, इसको थोड़ा आराम से निकालो। ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ी मत करो। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो इसका सर्किट माइक्रोस्कोप में देखो, ये सॉल्ट निकलने का टाइम में देखो क्या क्या चीज़ निकल गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कैपेसिटर था जो निकल गया है, यहाँ पे भी एक निकल गया है, और यहाँ पे एक कॉइल था वो इसमें नहीं है। और यहाँ पे देखो ये कनेक्टर, लाइट का कनेक्टर है। ठीक है, ये कनेक्टर भी निकल गया है। यहाँ पे थोड़ा सा खरोच के जम्पर करने से काम करेगा। ठीक है, और देखते हैं कहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर का जो ग्राउंड लाइन है ये निकल गया है, और यहाँ पे एक तो रेजिस्टेंस या तो कुछ था जो इसमें नहीं है। ये कंप्लीट ऑन हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। और भी अच्छे से देखो कहीं पे क्या निकल गया है कि नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक तो नहीं है रेजिस्टेंस शायद। अगर नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे जम्पर या तो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो ग्राउंड निकल गया है। ग्राउंड अगर निकल जाता है कुछ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर रेजिस्टेंस उस लाइन वगैरह ब्रेक हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी शायद कुछ रेजिस्टेंस लाइन था जो नहीं है। यहाँ पे भी बहुत बड़ा ग्राउंड निकल गया है। यहाँ पे देखो, तो टीना निकलने का टाइम में ज़्यादा हड़बड़ी मत करो, धीरे धीरे आराम से निकालो। अगर आपका पास में दूसरा दुकान से मोबाइल आता है तो सबसे पहले आपको ये सब चीज़ देखना है, क्या क्या निकल गया है, क्या क्या गलती किया है, यह सब चीज़ देखना है आपको। ठीक है, तो चलो दोस्तों अभी फटाफट मीटर से चेक करते देखते हैं कहीं पे शॉर्ट वगैरह है कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ कैपेसिटर है जो इसमें शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो, ठीक है, तो जहाँ जहाँ डाउट लगे आपको सबसे पहले ये सारे कैपेसिटर को चेक करना है, देखना है कहाँ पे शॉर्ट है नहीं है। हर एक कैपेसिटर में चेक करना है, जहाँ पे 3.7 वोल्ट होना चाहिए वहीं पे। ठीक है, अच्छे से देखो। और ये वन प्लस सेट में इतने सारे कैपेसिटर होता है, बहुत सारे कैपेसिटर होता है, और पावर आईसी भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जहाँ पे 3.7 वोल्ट होता है या तो आता है, वहीं पे अगर किसी प्रकार का शॉर्ट देखता है तो आपका फ़ोन में कोई ना कोई पे फुल शॉर्ट मिलेगा, या तो कोई ना कोई पे आपका आईसी भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है हर एक एरिया में, हर एक जगह में। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो नेटवर्क आईसी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 400 जैसे रेडिंग आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी 400 रेडिंग नहीं आना चाहिए, बिल्कुल जीरो होना चाहिए यहाँ पे। तो दोस्तों इसका मतलब नेटवर्क आईसी का एरिया में हाफ शॉट देख रहा है। ठीक है, अच्छा से देखना है। देखो यहाँ पे भी हाफ शॉट आ रहा है।
ये पावर आईसी का आसपास में देखते हैं, यहाँ पे भी देखो हाफ शॉट आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी हाफ शॉट नहीं आना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अभी अच्छा से देखना है, हर एक जगह में कहीं ना कहीं पे तो फुल शॉट है, यहाँ तो मदरबोर्ड कहीं ना कहीं पे हिट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम 400 जैसे रेटिंग आ रहा है, 398, 97 इस तरह आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल जीरो होना चाहिए। हर एक जगह में, हर एक कैपेसिटर में चेक करना है, देखना है, एक भी कैपेसिटर नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे फुल शॉट आ रहा है, इस कैपेसिटर में फुल शॉट आ रहा है, इसमें देखते हैं, यहाँ पे भी देखो दोस्तों फुल शॉट। तो ये एक कैपेसिटर शॉर्ट था, इसके वजह से ये फोन डेड था, ठीक है। अभी यहाँ पे दो कैपेसिटर शॉर्ट देख रहा है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे एक शॉर्ट नहीं है, दूसरा कोई और शॉर्ट है, ये 100% हम लोग श्योर नहीं है कि ये दोनों में से एक कैपेसिटर खराब है। तो इसलिए आपको श्योर होने के लिए रोजिन यूज़ करना पड़ेगा, रोजिन का धुआं यूज़ करना पड़ेगा, हर एक मदरबोर्ड में लगा दो, अच्छा से लगा दो। लगाने के बाद में आपका जो डीसी पावर सप्लाई है, इसको रखना है 4 वोल्ट पर और एम्पियर रखना है 5। जो भी कैपेसिटर शॉर्ट देखता है आपको, फुल शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। जिसमें भी आप यूज़ करेंगे, फुल शॉट होना चाहिए कैपेसिटर, बिल्कुल फुल शॉट, तब यूज करो। और ये डीसी पावर सप्लाई किस तरह यूज करते हैं शॉर्ट कैपेसिटर में, शॉर्ट बोर्ड में, मेरा बहुत सारे वीडियो है, जाके देख लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों, मैंने पूरा मदरबोर्ड में रोजिन का धुआं लगा दिया है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। अभी करना क्या है, डीसी पावर सप्लाई का जो माइनस वायर है वो लगाना है ग्राउंड बॉडी पे, कहीं पे भी लगा दो आप, कुछ दिक्कत नहीं है, जीएनडी लाइन में कहीं पे भी लगा दो, ठीक है। और यहाँ पे जो कैपेसिटर शॉर्ट है, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे प्लस वायर, जो डीसी पावर सप्लाई का प्लस वायर है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे इस कैपेसिटर में। वोल्टेज रखना है 4 वोल्ट, एम्पियर 5, डीसी पावर सप्लाई का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये है ग्राउंड, इसमें जो ब्लैक वायर है ये लगाना है यहाँ पे, और ये प्लस वायर ट्विजर से पकड़ना है, और इस कैपेसिटर में लगाओ। देखो जैसे ही लगा दिया, पूरा कैपेसिटर हीट किया है। कभी कभार ऐसा भी होता है ना, कैपेसिटर का अगर आपने दूसरा साइड में, उल्टा साइड में लगा दिया, फिर भी कैपेसिटर हीट करता है, तो ये कैपेसिटर खराब है कि नहीं है श्योर होने के लिए, जो दूसरा कैपेसिटर शॉर्ट है यहाँ पे यूज़ करेंगे, देखेंगे क्या हीट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने दूसरा कैपेसिटर में लगा दिया, तुरंत ये कैपेसिटर हीट किया, अभी 100% श्योर है ये कैपेसिटर फुल शॉर्ट। तो आप कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कैपेसिटर को रिमूव करना है और चेक करना है। नहीं, इसमें और भी प्रॉब्लम था, आपको दिखाया मैंने, कुछ कॉयल नहीं है, कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ कैपेसिटर नहीं है। तो सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम है फुल शॉट, इसको रिमूव करते हैं, फिर देखते हैं सेट ऑन होता है कि नहीं होता है। अगर ऑन नहीं होता है तो जो जो चीज़ नहीं है इस फ़ोन में, बोर्ड लगा के चेक करना है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दो। तो चलो दोस्तों, इस कैपेसिटर को मैंने रिमूव कर दिया है, अभी इसमें दूसरा कैपेसिटर आप चाहे लगा भी सकता है, अगर ना चाहे तो मत लगाओ, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी क्या करना है, एक कॉइल नहीं था जो टूट गया था, आपको देखा गया था पहले, उसको भी लगाना है। कहाँ गया, कहाँ पे था भाई, ये कॉइल बोर्ड का दूसरा साइड में है। चलो दोस्तों, फटाफट इसको लगा के चेक करते, देखते जो प्रॉब्लम था फोन का वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपका पास में किसी भी फोन डेट आता है तो सबसे पहले आपको चेक करना है
जहाँ पे 3.7 वोल्ट होता है वहीं पे चेक करना है, देखना है क्या वहाँ पे हाफ शॉर्ट है क्या फुल शॉर्ट है। अगर हाफ शॉर्ट है या तो मीटर में कुछ रीडिंग आ रहा है तो इसका मतलब आपका फ़ोन में कहीं ना कहीं पे शॉर्ट होने का चांसेस है। ठीक है, ऐसा भी होता है नेटवर्क ऐसी भी हाफ शॉर्ट होता है, ऐसा बात नहीं है कि हाफ शॉर्ट नहीं होता है, फिर भी 90% फुल शॉर्ट होने का चांसेस है अगर 3.7 वोल्ट जहाँ पे रहता है उस एरिया में शॉर्ट दिखता है तो, हाफ शॉर्ट या तो उस रेटिंग आता है तो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कॉइल लगाना भी हो गया, अभी चेक करना है देखना है क्या ये फ़ोन ऑन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों मैंने इस फ़ोन में क्या किया, एक कैपेसिटर शॉर्ट था जो यहाँ पे था, मैंने इसको रिमूव किया है यहाँ पे देखो, और क्या किया है और एक कॉइल लगाया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, और बहुत सारे छोटा छोटा यहाँ पे कैपेसिटर रेजिस्टेंस नहीं है, तभी देखते हैं अगर ऑन नहीं होता है तो फिर दोबारा बहुत सारे कैपेसिटर रेजिस्टेंस को लगाना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। बैटरी बिल्कुल जीरो होना चाहिए क्योंकि फ़ोन में शॉर्ट है। यहाँ पे देखो दोस्तों थोड़ा सा ही वेट करेंगे देखते हैं, तो यहाँ पे देख लो चार्जिंग लोगो आ गया। ठीक है, पहले लोगो नहीं आ रहा था, एम्पियर भी नहीं ले रहा था। ठीक है ना, थोड़ा देर के बाद में यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत चार्ज हो गया बैटरी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।